महक ने ऐसा क्या बताया कि उसकी माँ शर्मिंदा हो उठी। महक अपने मम्मी पापा और दादी के साथ कानपुर के एक छोटे से मोहल्ले में रहती थी। महक की माँ रमा ने घर के बाहर ही ब्यूटी पार्लर खोल रखा था। महक के पिता भी एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। वो सुबह जल्दी ऑफिस के लिए निकल जाते थे और रात को देर से घर आते थे। माता पिता की व्यस्त दिनचर्या के बीच महक की दादी ही थी जो उसका ध्यान रखती थी, इसलिए महक स्वाभाविक रूप से अपनी दादी के बहुत ज्यादा करीब आ गई थी। रमा भी अपनी बेटी की सारी जिम्मेदारी सास के ऊपर छोड़कर निश्चिंत होकर अपना काम करती रहती थी। लेकिन जब महक की दादी की तबीयत खराब हो जाती थी तब रमा झुंझला उठती थी, क्योंकि उस पर घर के सारे कामों की जिम्मेदारियां आ जाती थी। उस पर से सास की सेवा करना उसे बहुत बड़ा बोझ लगने लगता था और अपनी झुंझलाहट वो अक्सर सास पर निकाल दिया करती थी। हालांकि महक के पापा ने कई बार कहा कि मदद के लिए बाई लगवा लो, लेकिन रमा को यह भी मंजूर नहीं था। वह सोचती थी कि जब सास उसके साथ रहती ही है तो फालतू में काम वाली बाई को रुपए क्यों दिए जाएं। एक दिन 5 वर्षीय महक स्कूल से वापस आई और बैग सोफे पर रखकर सीधा दौड़ते हुए अपनी दादी के कमरे में चली गई। उसकी दादी को आज सुबह से ही बुखार था, इसलिए वो कमरे से बाहर भी नहीं आ पाई थी। तभी पीछे से महक की माँ रमा जब घर में पहुंची तो चिल्लाते हुए बोली, महक स्कूल से वापस आने के बाद कपड़े तो बदल लो, तुम तो सीधा दादी के कमरे में ही चली जाती हो। माँ की तेज आवाज सुनकर महक सहमते हुए बाहर आ गई। रमा ने उसका हाथ मुंह धोकर कपड़े पहना दिए और उसे खाना खिलाने लगी। तो महक ने मासूमियत से पूछा, माँ दादी ने खाना खा लिया क्या? रमा ने उसके मुंह में कौर डालते हुए कहा, वो बाद में खा लेंगी, तू चिंता मत कर, फटाफट से खाना खा और थोड़ी देर सो जाओ। फिर महक जल्दी जल्दी खाना खाने लगी ताकि उसके बाद दादी को भी खाना मिल सके। महक ने जल्दी ही खाना खा लिया था। थोड़ी देर के बाद उसने देखा कि उसकी माँ एक प्लेट में एक रोटी और थोड़ी सी सब्जी लेकर दादी के कमरे में जा रही है, तो महक फिर पूछ बैठी, माँ आज दादी के लिए एक ही रोटी क्यों? रमा झुंझलाते हुए बोली, तेरी दादी बीमार है ना, उन्हें ज्यादा खाना हजम नहीं होगा क्योंकि उन्होंने सुबह से कोई काम भी नहीं किया है। माँ की बात सुनकर महक भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान मेरी दादी को जल्दी से ठीक कर दो ताकि वो घर के काम कर सके और ठीक से खाना खा सके। महक के दिमाग पर इन सब बातों का बहुत गहरा असर पड़ गया था। वो अपनी दादी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन जब उसकी दादी बीमार हो जाती थी तो उन्हें ठीक से खाना नहीं मिलता था। यह देखकर महक सोचती थी कि दादी कभी भी बीमार ना पड़े। रमा भी अपनी सास को कोसते रहती थी कि बुढ़ापे में हाथ पैर चलाते रहिए, बैठकर खाना खाएंगी तो 10 बीमारियां घेर लेंगी, वो उनसे काम करवा कर ही उन्हें खाना देती थी। वैसे रमा की सास तो खुद भी घर के कामों में मदद करना चाहती थी, लेकिन बहू के कड़वे शब्द उनकी आंखों में आंसू ले आते थे। वह बहू के दुर्व्यवहार के बारे में बेटे को भी नहीं बताना चाहती थी क्योंकि इससे घर में कलह होती। वह बहू की गलत बातों को भी चुपचाप सहन करती जा रही थी। एक बार महक अपनी माँ के साथ नानी के घर गई हुई थी। महक नानी के घर जाकर बहुत खुश थी, लेकिन जब खाना खाने का समय हुआ तो वो अपनी नानी से कहने लगी, अरे नानी आप एक जरूरी काम तो भूल ही गई, अब आपको भरपेट खाना कैसे मिलेगा? महक की बात सुनकर सभी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे और फिर महक ने कुछ ऐसा कहा कि उसकी माँ रमा शर्म से पानी पानी हो गई। महक तुरंत खाने की टेबल से उठी और अपने नन्हे हाथों से झाड़ू उठाकर ले आई और अपनी नानी की तरफ बढ़ाते हुए बोली, नानी आप जल्दी से झाड़ू पोछा लगा दो तभी आपको भरपेट खाना मिलेगा ना। यह सुनकर उसकी नानी गोदावरी जी हक्की बक्की होकर महक की तरफ देखने लगी। फिर उन्होंने बहुत प्यार से उसे पास बुलाते हुए कहा, महक बेटा तुम ऐसा क्यों कह रही हो कि मुझे भरपेट खाना चाहिए तो पहले मुझे झाड़ू पोछा लगाना पड़ेगा? तो महक बड़ी मासूमियत से बोली, नानी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपको आधा पेट खाना खाकर रोना पड़े। वो क्या है ना कि मम्मा दादी से कहती है कि आपको भरपेट खाना चाहिए तो पहले झाड़ू पोछा लगाइए, घर के काम करिए, तब जाकर आपको भरपेट खाना मिलेगा। और अगर दादी की तबीयत किसी दिन खराब रहती है और वह काम नहीं कर पाती है तो मम्मा उन्हें ठीक से खाना नहीं देती हैं। घर में जो बूढ़े लोग होते हैं उनसे ऐसे ही काम करवा कर उन्हें खाना देना होता है ना, इसलिए मैं आपसे कह रही थी कि आप भी झाड़ू लगा लो। फिर मैं जब बड़ी हो जाऊंगी और मेरी मम्मा बूढ़ी होगी तो मैं भी उनका ऐसे ही ध्यान रखूंगी और उनसे काम करवा कर ही उन्हें खाना खाने के लिए दूंगी, नहीं तो उन्हें खाना हजम नहीं होगा ना। महक की बात सुनकर वहाँ सन्नाटा छा गया था। सभी एकदम सकते में आ गए थे और रमा को अजीब नजरों से घूरने लगे थे। रमा किसी से नजरें मिलाने की स्थिति में नहीं थी। महक की मामी ने बात संभालते हुए कहा, महक ऐसी बात नहीं है,
हो सकता है तुमने बात को ठीक से समझा नहीं होगा। तुम्हारी मम्मा तुम्हारी दादी से घर के कामों में थोड़ी बहुत मदद लेती होंगी। ऐसी कोई बात नहीं है कि बुजुर्गों से काम करवा कर ही उन्हें खाना दिया जाए। अब जाओ, जल्दी से वो झाड़ू रख कर हाथ मुंह धोकर खाना खाने के लिए आ जाओ। हम आपकी नानी से बिना कोई काम करवाए भी उन्हें भरपेट खाना देते हैं। मामी की बात सुनकर महक थोड़ी आश्वस्त हुई और उसके चेहरे पर राहत भरी मुस्कान तैर गई। वह हंसते हुए कहने लगी, वाह मामी, यह तो बहुत अच्छी बात है। अब तो मम्मा को भी पता चल जाएगा कि दादी से बिना ज्यादा मेहनत वाला काम करवाए भी उन्हें भरपेट खाना दिया जा सकता है। इतना कहकर वो हाथ धोने के लिए चली गई। सभी प्रश्न भरी नजरों से रमा को घूर रहे थे और रमा शर्म से सिर झुकाए हुए थी। बड़ी मुश्किल से उसने सभी के साथ बैठकर थोड़ा सा खाना खाया। खाना खाने के बाद गोदावरी जी ने अपनी बेटी को अपने कमरे में बुलाया। रमा जानती थी कि माँ उसे किस लिए बुला रही है, इसलिए उसके कदम आगे ही नहीं बढ़ रहे थे। खैर, जैसे तैसे कदम घसीटती हुई वो माँ के कमरे में पहुंची तो गोदावरी जी बहुत दुखी नजर आ रही थी। उन्होंने उदास स्वर में बेटी से कहा, रमा, महक ये क्या कह रही थी? तुम अपनी सास को खाना देने के लिए उनसे काम करवाती हो? आखिर तुम एक बुजुर्ग औरत के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? ऐसा करते हुए तुमने इतना भी नहीं सोचा कि तुम्हारी भी एक बूढ़ी माँ है? अगर तुम्हारी माँ के साथ तुम्हारी भाभी ऐसा व्यवहार करे तब तुम्हें कैसा लगेगा? ऊपर से महक के ऊपर भी इन सब बातों का कितना गलत प्रभाव पड़ रहा है ये तुम आज खुद देख चुकी हो। अभी तो वह मासूम है, हमने उसे बातों से बहला लिया है, लेकिन जब वो बड़ी हो जाएगी तो तुम्हारी इन हरकतों को याद करके क्या वो कभी तुम्हारा दिल से सम्मान कर पाएगी? समझदार को इशारा ही काफी होता है। आज महक ने हमारे सामने तुम्हारी पोल खोली है। अगर यही बात वो कहीं और बाहर में कहने लगे तो तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी? माँ की डांट सुनकर रमा की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने भर्राए गले से कहा, माँ, महक की बातें सुनकर तो मुझे भी बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं अपनी सास के साथ गलत व्यवहार करूंगी तो महक पर क्या असर पड़ेगा, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ है कि ऐसा करके तो मैं अपनी ही बच्ची की नजरों में गिर जाऊंगी। मैं सच कहती हूँ माँ, आज के बाद से मैं अपनी सास के साथ दुर्व्यवहार कभी नहीं करूंगी। गोदावरी जी ने बेटी को और कुछ कहना उचित नहीं समझा क्योंकि महक ने अपनी बातों से रमा को पहले ही झकझोर दिया था। रमा समझ गई थी कि बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं, इसलिए घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान बनाकर रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद रमा ने कभी भी अपनी सास के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया। नन्ही महक ने अनजाने में ही सही अपनी बूढ़ी दादी की जिंदगी को कई तकलीफों से गुजरने से बचा लिया था।